हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी ब्लॉगर डिंपल के चैनल पे आपका स्वागत है। ये करवा चौथ की वीडियो है और ये सुबह जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 4 बजे मैं पहले ही उठ गई थी, थोड़ा 4 बजे से पहले ही। तो मैंने सरगी वगैरह तैयार कर ली थी नहा धो के। तो ये देखिए 4:15 का टाइम हो चुका है, 4:20 का टाइम हो गया है और मैंने सरगी तैयार कर ली है। और कहते हैं कि सरगी सासू माँ देती है अपने हाथों से, मगर हम जब से व्रत रखते हैं हम खुद ही बना के खाते हैं। तो मम्मी शुरू से ही मेडिसिन लेते हैं नींद की, तो वो कम ही देते हैं। और कोई नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है। तो ये मैं सरगी बना के और खा रही हूँ, क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो बीमार रहते हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो उनका आशीर्वाद ही चाहिए। तो मैंने एक सेब और केला आपको दिखाया, ये रखते हैं हम, मगर इससे मैंने थोड़ा सा पीस निकाल के ले लिया, क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। और गोभी की सब्ज़ी तैयार की थी और ये सेवइयाँ, और 2 मैंने परांठा बना लिया था। सुबह सुबह खाने को दिल तो कुछ करता नहीं है। तो ये मैंने सरगी जो है मैंने खा ली थी, और फिर सरगी खाने के बाद मैं फिर से सो गई थी। मैंने 4:30 फ्री हो चुकी थी मैं सरगी खा के, फिर उसके बाद मैं सो गई। और ये दोपहर के जो है 12:30 बज चुके हैं, तो मैं तैयार हो गई। तो हम कथा सुनने जाते हैं तो उसके लिए तैयार हो गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी तैयार होने का, मगर ये मेरी बेटी तैयार कर रही है वीडियो। तो इस तरह मैं मेकअप करके थोड़ा बहुत तैयार हो गई, और बालों को सिंपल मैं जो पोनी ही करूँगी, तो इसी तरह मैं तैयार हो जाऊँगी और फिर हम जो है कथा के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जो पंडितानी ने टाइम दिया था ना, वो उस टाइम पहुंची नहीं और थोड़ी लेट हो चुकी थी वो। तो थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया था। तो ये मंगलसूत्र और ये कानों के झुमके मेरे पास पहले से थे। तो ये जो मंगलसूत्र है मेरा आर्टिफिशियल है, मेरे पास गोल्ड के भी है, मगर मुझे ये बहुत प्यारा लगा तो ये मैंने स्पेशल करवा चौथ के लिए लिया है। और ये जो मेरे कानों पे झुमके हैं ये मेरे पास पहले से थे, तो मैंने मुझे ये अच्छे लगे सूट के साथ, तो मैंने इसके साथ पहन लिए। तो आप भी बताइए कैसे लगे ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ के व्रत की, और आप मुझे अपनी विशेष भी दें। और सभी औरतों को जो है भगवान सदा सुहागन रखे, जो नहीं रखती हैं वो भी खुश रहें, आबाद रहें और सदा सुहागन रहें। और ये व्रत जो है मतलब लेडीज़ के दिल के पास होता है, मतलब काफ़ी जो है उन्हें मतलब अच्छा लगता है सजना सवरना। साल में एक ऐसा दिन होता है जो हमें स्पेशल लगता है ना, तो मैं भी ऐसे जब आपने देखा मेरी वीडियो में अपना तैयार श्यार होके, ये है जो मंगलसूत्र है, ये मेरा नग वाला है, आर्टिफिशियल है ये वाला, और मेरा गोल्ड का भी है मगर वो मैंने नहीं पहना हुआ है। और ये मैंने इयररिंग पहने हुए हैं जो मेरे पास थे, मैंने पहन लिए, तो गोल्ड के भी हैं। मम्मी जी बोल रही थी गोल्ड के पहनो, मगर मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये पहन लिए। और कैसे लगे ये मेरे पहने हुए मंगलसूत्र, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ कैमरे के सामने, तो मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। जब हम छोड़ देते हैं ना कोई काम, जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम जो है थोड़ा कहते हैं ना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा मेरी बातों से आपको लग रहा होगा। और मैं और क्या बात करूं आपसे, हाँ ये जो मेरी वीडियो है ना, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, शिवानी जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि दीदी आप ये वाला ब्लॉग वीडियो वाला जरूर, सॉरी करवा चौथ वाला जरूर बनाना, इसमें जो आप कथा सुनते हैं अपनी मम्मी के आशीर्वाद लेते हैं। मैं कहा वो तो हमारा मतलब है ही है ना, कि वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि वो बनाना पड़ेगा, वो तो हम करते करते हैं। हाँ ये दुनिया को पहली बार दिखाएंगे कि हम करवा चौथ में कैसे मनाती हूँ। और अभी जो है दोपहर का 1:15 हो चुका है, और सुबह से के बाद अभी मैं कैमरे के सामने आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ आपके साथ। और बातें अभी जो है भूख वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं लगी है, ना ही प्यास, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सूख रहे हैं जो यहाँ से गला थोड़ा थोड़ा, मगर इतना नहीं,
टाइम निकल जाता है अच्छे से, मौसम अच्छा है, और ये कौन सा रोज़ व्रत रखना है, एक बार साल में रखना होता है तो अच्छे से रखना होता है, और इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं कि खाना है या पीना है, ये कोई मायने नहीं रखता एक दिन के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि अभी हम जो मंदिर जाएंगे, मंदिर में लेके जाऊंगी थाली, थाली में होगा थोड़ा सा चावल डालेंगे थाली में, पंडिताना मतलब वहाँ से वहाँ आएंगी मंदिर में, पंडितानी आएंगी तो वो आ जाएंगी, तो वहाँ पे हम कथा सुनेंगे, और उनके लिए जो हम सुहागी का सामान लेते हैं, जो बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह, वो वहाँ पे मंदिर पे जो पंडिताइन आती है ना उनको देते हैं, श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देते हैं। तो ये सब होगा अभी कथा में, तो अगर मैं वहाँ पे बना सकी वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी, थोड़ी बहुत बना दूँगी। और उसके बाद बनेगा खाना, खाना जो है सूरज छिपने से पहले बन जाना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सूरज छिपने से पहले खाना बना लेंगे, क्योंकि जिसको हमने बेया देना होता है ना बड़ों का, बड़ों को थाली मंस के देते हैं, जैसे उसमें जो हमने खाना बनाया होता है ना सारा उसमें रख देंगे, और जो बड़ों के लिए हमने जो भी लिया होता है, जैसे मैंने मम्मी जी के लिए सूप लिया है वो रख दूंगी, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं बोलते हैं ना गोल नारियल ठूठी बोलते हैं उसको हम, हाँ वो हमारे यहाँ ठूठी बोलते हैं, वो रखेंगे उसमें शगुन वगैरह डाल के, फिर उनका बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें खाना सबसे पहले देते हैं, और फैमिली का दिल करे तो पहले खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम इकट्ठे खाना खाते हैं, इतना वेट कर लेते हैं सब, आज देखें क्या करते हैं। तो चलिए अभी हम जो है मंदिर जाने पर मिलेंगे। और आज मैंने बोला ना कि ये मैंने मंगलसूत्र पहली बार डाला हुआ है, मैं कम ही डालती हूँ, डेली वे पे हम जो है मंगलसूत्र नहीं डालते हैं, कभी कभार डालते हैं। और मैंने लगाई थी मेहंदी, ये कल किसी से लगवाई थी, खुद नहीं लगाई किसी से, हर साल लगा लेती थी, इस बार किसी ने गांव में ही किसी ने लगा दी है, काफ़ी डार्क रंग हो गया। अच्छी लगी, अगर मेहंदी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई गलती होगी बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि चलते हैं मंदिर। तो ये दोपहर के जो है 3:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम मैं जो है कथा सुनने जा रही हूँ मंदिर, वैसे हम 1:00 तक सुन लेते हैं, तो आज थोड़ी बहुत लेट होगी। ये थाली है जो हम पंडितानी को देते हैं, और ये हमारे गांव का मंदिर है माता चिंतपूर्णी का, और यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठी होती हैं, और आज इतनी ना चहल पहल नहीं लग रही थी, क्योंकि जो पंडिताइन आनी थी ना उन्होंने पहले मना कर दिया था, तो इसी वजह से लेडीज़ थोड़ी लेट पहुँची, और यहाँ पे जो है सुबह से ही धूप लोगों ने कर रखा था, तो थोड़ा मैसी हो रखा था, मगर मंदिर हमेशा साफ़ रखते हैं। तो ये माता चिंतपूर्णी का मंदिर है, और यहाँ पे सभी इकट्ठी हो रही हैं, जो लेडीज़ हो गई हैं सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, जितने भी हमारे मोहल्ला बोलते हैं ना उनके, ये हमारे कथा सुनने में ना हमें जो चावल वगैरह देते हैं पंडिताइन को वो हमारे हाथों में देती हैं, तो हम फिर कथा सुनते हैं, तो ये जो हम अर्घ देंगे तब ये चावल वहाँ पे अर्घ देंगे। तो कथा हो चुकी है, तो ये एक दूसरे को गांव में मिलते हैं, पैरी पैना करते हैं, और फिर हमें घर आके मैंने दाल चढ़ा दी थी चने की, तो उसमें मैंने तड़का लगा दिया फटाफट से, तो फिर इसके बाद मैंने दाल को तड़का लगाने के बाद फिर मैंने जो है मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली, तो पहले मैंने तेल डाल दिया, और फिर मैंने लहसुन प्याज, हमारे यहाँ ना इस दिन व्रत पे लहसुन प्याज वाला खाना खा लेते हैं, अर्घ देने के बाद हम खा सकते हैं, तो कभी जहाँ ऐसे चलता है वह कई जगह जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, और हमारे यहाँ खा लेते हैं। तो मैंने टमाटर भी डाल दिए मसाले में और अच्छे से मैश कर लिए, तो मसाला मेरा भुन चुका था, उसमें मैंने मटर भी डाल दिए, तो इस टाइम काफ़ी थकावट हो जाती है, थोड़ी गला सूखता है, प्यास लगती है, तो देखिए इधर मैंने जो दही पकौड़ी वाली दही बना दी, रायता पकौड़ी वाला, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए मटर पक चुके हैं, मैंने पनीर डाल के और अच्छे से इसको बना लिया, फिर मैंने इसको ग्रेवी डालने मतलब बनाने के लिए पानी डाल दिया,
मैंने दाल को तड़का लगा लिया, चावल भी बना लिए और पनीर भी। तो मम्मी जी जो है रोटी नहीं लेंगी, चावल लेंगी, तो उनकी प्लेट में थाली तैयार कर दूंगी और 5 से 6 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। और जो मटर पनीर की सब्जी तैयार है और बस अभी थोड़ा प्याज का चक्कर चल रहा है, तो बस खाना देख के फिर मैं अपनी अर्घ की थाली जो चंद्रमा जी को अर्घ देते हैं वो वाली थाली तैयार करके फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि 9 तो बज ही जाएंगी। तो फिर मैं मम्मी जी की थाली तैयार करके फिर मैं मिलती हूँ और उनको खाना देख के फिर वो भी आराम से लेट जाएंगी। वैसे भी वो इस टाइम जो है खाना खा लेते हैं तो वो आराम से लेट जाएंगी। चलो मिलती हूँ मैं प्लेट तैयार करके। तो यहाँ मटर पनीर मेरा बन चुका है, थोड़ी ग्रेवी थिक हो जाएगी ठंडी होने पे। तो ये मम्मी जी की मैंने लगा दी है थाली, इसे हम बेया बोलते हैं, मतलब सासू माँ को जो है 6 बजे मैंने 6:30 बजे तक खाना दे दिया था। ये मैंने उनके लिए सूट लिया था, हर साल देती हूँ मैं यहाँ व्रत पे, और मेवा होता है और उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो और क्या चाहिए हमें। तो ये उनकी थाली लग चुकी है, वो खा लेंगे खाना, यही खाना हम रात को सब खा लेंगे। और आ चुका है चंद्रमा जी को अर्घ देने का, तो इस तरह मैं दे दूंगी अर्घ। और मैं दुआ करती हूँ सभी का करवा चौथ ऐसा ही अच्छा और शुभ निकलेगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट जरूर प्यारे प्यारे कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।